हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार धाकड़ स्वागत करता हूँ आपका राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिन्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका जनरली मीनिंग होता है सेल एलोंगेशन। तो दोस्तों, चलो चलते हैं टॉपिक पर। इसे जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो को तभी लाइक करना जब पसंद आए, अदरवाइज नहीं करना। आप हमें स्पष्ट लिख देना, हम और कोशिश करेंगे अच्छा करने की। तो दोस्तों, डिस्कवरी एंड केमिकल नेचर, तो ऑक्सिन्स की डिस्कवरी एंड केमिकल नेचर के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन डेट्स बैक टू लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। तो कब कब हुई थी इसकी? 19th सेंचुरी की जो लास्ट जो क्वार्टर था ना, उसमें हुई थी। और ये किसने की थी? बाय द चार्ल्स डार्विन, व्हेन इट वाज वी स्टडिंग ट्रॉपिज्म इन प्लांट। वे किस पे अध्ययन कर रहे थे? ट्रॉपिज्म मूवमेंट पर। याद रखिए दोस्तों, इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस पे अध्ययन कर रहे थे वो? ट्रॉपिज्म मूवमेंट। ट्रॉपिज्म क्या होता है दोस्तों? जो जो प्रकाश के कारण या किसी के भी कारण जो प्लांट्स का मूवमेंट होता है उसको ट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब वो हाइपोट्रॉपिज्म चाहे हाइपोट्रॉपिज्म, ये अलग अलग होते हैं। इसके बाद में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या है? एफ बेंट वाज सक्सेसफुली आइसोलेटेड दिस ग्रोथ सब्सटेंस फ्रॉम द एविनाक्यूलेक्टाइल। तो दोस्तों, जो ओट होता है ना, हमारा ओट, उसमें पाया जाता है। ये किसमें? ओट में। ये एबिना किसको बोलते हैं? एबिना सटाइवा जो होता है ना, ओट। तो दोस्तों, ये एबिना जैसे देखो, ये सीड है, इसमें से ये ऊपर का निकला, ये जड़ें निकल गई, ठीक है। तो ये जो होता है, ये होता है क्या? कोलियोप्टाइल। तो इसी पे इसका अध्ययन शुरू किया है, इस पे, कोलियोप्टाइल पे। तो एबिना कोलियोप्टाइल टेस्ट टिप में इसका अध्ययन किया। तो दोस्तों, विच स्टिल रिमेनिंग ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी, और जिसकी जो उन्होंने जो ज्ञात किया था, वो अभी तक भी इसमें ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी रखता है। उन्होंने क्या किया दोस्तों? ही कट ऑफ द टिप्स ऑफ एविना कोलेप्टाइल एंड प्लेस्ड देम ऑन स्मॉल अगार ब्लॉक्स। देखो, उन्होंने क्या किया कि जैसे पेट्री डिश ली थी, उनमें अगार ब्लॉक्स रख दिए। इसमें एक अगार ब्लॉक रखा और उसमें क्या किया, जो एबिना का जो जो कट था, ये जो पोर्शन उन्होंने काट के कोलिप्टर टिप्स को कट करके कहाँ रख दिया? उन्हें अगार ब्लॉक पर रख दिया फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए। देन प्लेस्ड अगार ब्लॉक्स एसिमेट्रिकली ऑन द कट कट कोलिप्टर स्टम्प। और उन्होंने क्या किया, जो अगार ब्लॉक्स थे, ये कट करके पहले अगार ब्लॉक के ऊपर रखा। अब इस अगार ब्लॉक्स के पीस कर करके जो ये कटा हुआ बचा था, ये पोर्शन, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, वो पॉइंट्स चिपका दिए। किसके? अगार ब्लॉक्स के। उसके बाद उन्होंने क्या पाया? ही ऑब्जर्व ऑल द कोलेप्टल शो टिपिकल कर्वेचर इवन इन डार्क। तो उन्होंने क्या देखा, जो सभी कोलिप्टाइल्स थे जितनों के ऊपर उन्होंने चिपकाया, वो सभी क्या कर रहे थे? एक कर्व शो कर रहे थे। तो उन्होंने कैसे देखा कि कुछ को लाइट में रखा, कुछ को डार्क में रखा। तो जो डार्क में रखा उनमें भी हो रहा था। अब इससे क्या ज्ञात हुआ? ही आल्सो डेवलप द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस, और उन्होंने एक अमाउंट भी डिस्कस किया। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, कि जैसे अगार ब्लॉक्स के ऊपर पहले टिप को रखा, अगार ब्लॉक्स के पीस किए और उनको क्या किया, अलग अलग जो कोलिप्टल की जो थी ना, इस टिप के ऊपर रखा। उसके बाद ही ऑब्जर्व क्या किया उन्होंने, कि जो कोलिप्टल थी उसमें भी एक कर्व देखने को मिला, एक कर्व उनको देखने को मिला। तो दोस्तों, ये उन्होंने ये इससे ये ज्ञात किया था कि जो कोलिप्टल की टिप्स होती है उसमें ऑक्सीजन का जो सिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है टिप में, और इस टिप को काट के जब अगार ब्लॉक में रखा तो ऑक्सीजन से अगार ब्लॉक में आ गया। अब इस अगार ब्लॉक को फिर से उन्होंने किस पर रखा? ये यहाँ रखा, ये इस पर स्टम्प जो कटा हुआ था। तो उससे क्या ज्ञात हुआ
कि उसकी ग्रोथ से जो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। और देखो एक और आपको चीज बताएं, आपने देखा होगा कि जब हम विंडो में कोई गमला रखते हैं, जैसे ये सूर्य की रोशनी है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दें, और ये हमारा गमला रखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस गमले में क्या होता है कि जिसके जो पेड़ पत्ते होते हैं वो सूरज की रोशनी की तरफ झुकने लगते हैं। अब दोस्तों ये पेड़ क्यों झुकते हैं, अब इसका हम यहीं से इसका क्लू निकलेगा। जो ऑक्सीजन्स होते हैं, इसको डार्विन ने बाद में और डीप स्टडी की, बताते हैं हम आपको। तो इस दिस मेथड ऑफ बायो एसे इज फेमस फॉर नेम एविना कर्वेचर टेस्ट, और इसको एविना कोलियोप्टल कर्वेचर टेस्ट भी बोलते हैं, और एविना कोलियोप्टल टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो एविना कर्वेचर टेस्ट बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इसमें सबसे मेन बात तो ये थी कि इसने अगार ब्लॉक का यूज किया था, और इसको एविना जो था सट्टाइबा ओट के ऊपर किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट हैं। दूसरा 1926 में किया था, और FW बेंट ने इसको आइसोलेट किया था। यही इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद डार्विन ने क्या किया, जो एविना टेस्ट जो किया था, उन्होंने क्या, अ पीस ऑफ माइका इंसर्टेड ऑन द शेडेड साइड प्रिवेंट द कर्वेचर ऑफ द कोलियोप्टाइल। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे इस एरिया में माइका रख दिया। ये क्या है, ये माइका है, ये उन्होंने रख दिया माइका। और इधर जो सूर्य की रोशनी आ रही है, आप देखो जो रोशनी आ रही है सूरज की, तो बट नॉट वाज इंसर्टेड ऑन द इल्यूमिनेटेड साइड। इल्यूमिनेट मतलब होते हैं जहां से प्रकाश आता है। व्हेन द टिप वाज रिमूव्ड, और जब क्या दिखा उन्होंने, जब टिप रिमूव कर दिया, बट वाज पुट बैक विथ अ ब्लॉक ऑफ जिलेटिनस। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिलेटिनस ब्लॉक उस पर रख दिया, जिलेटिन ब्लॉक्स के साथ नॉर्मल फोटोट्रॉपिक कर्व ओकर्ड। उन्होंने क्या किया कि उसके बाद भी नॉर्मल फोटोट्रॉपिज्म जो कर्व है वो शो कर रहा है। उसका मीनिंग क्या था, जो जिलेटिनस ब्लॉक रखा और उसमें ऑक्सीजन था, इसके कारण क्या हुआ, उसकी जो टिप में, उन्होंने ये ज्ञात किया कि इसकी टिप में ऑक्सीजन बहुत होता है, ऑक्सीजन के कारण इसमें कर्व बनता है। तो दूसरी बात ये थी, उन्होंने ये कहा कि जो ऑक्सीजन का जो होता है ट्रांसलोकेशन, वो एक यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसलोकेशन होता है, अब देखो यहाँ सर, लेकिन यहाँ ग्रोथ ज्यादा हो रही है, यहाँ ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तभी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ रहा है। तो यही उनका मेन वो था बताने का कि कैसे डार्क में होता है, इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो सूरज की तरफ मुड़ते हैं खिड़कियों में। उन्होंने बाद में अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन ऑब्जर्व इन द फोटोट्रॉपिज्म कर्वेचर वेयर द यूनिलैटरल लाइट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑक्सीजन इन द स्टेम टिप। उन्होंने बोला कि उन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, दैट इज मोर ऑक्सीजन ऑन शेडेड साइड, जहाँ वो होती है धूप, सॉरी धूप नहीं होती है, शेडेड साइड जहाँ छांव होती है, छांव बोलते हैं शेड को, तो जहाँ पर छांव होती है उधर ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है देन इल्यूमिनेटेड साइड। तो ये उन्होंने बताया कि देखो जो ऑक्सीजन का जो है कॉन्सेंट्रेशन जो इफेक्ट, कि वो सूर्य के प्रकाश में तो सिंथेसिस होता है, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ होता है, ट्रांसलोकेट होके सीधे साइड पर ज़्यादा, इसलिए इधर ज़्यादा ग्रोथ होती है, इधर ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण वो ये ऐसे मुड़ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अभी, इसमें सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या होते हैं। देखो दोस्तों सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं कि जो आई ए अलावा जो भी ऑक्सीजन का बाद में लैब में इनको बनाया गया, तो इनकी जो स्ट्रक्चर वगैरह कैसी थी, सेम थी ऑक्सीजन जैसी, कुछ साइड चेंज को छोड़ के, बाकी इनका फंक्शन मेन ऑक्सीजन का था। क्या था फंक्शन, सेल एलोंगेशन। तो हम देखते हैं इसको सर, ऑक्सीजन इज द जनरल टर्म यूज टू डिनोट द सब्सटेंस दैट प्रमोट द सेल एलोंगेशन। क्या करता है दोस्तों, ऑक्सीजन मेनली सेल एलोंगेशन करता है। कुछ लोग इसीलिए मैलिक हाइड्राजाइड को भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन में रख देते हैं, ये भी सेल एलोंगेशन करता है दोस्तों। कुछ लोग रखते हैं, मैंने अभी अरुण कात्यान में इसको पढ़ा है, आप देख सकते हैं अरुण कात्यान को, लेकिन ये एक ग्रोथ रिटार्डेंट है, मैंने कहा दिया, आप देख रहे हैं ग्रोथ रिटार्डेंट है। कुछ फंक्शंस, कुछ स्ट्रक्चर के कारण इसको रखते हैं ऑक्सीजन में,
कोलेक्टल टिश्यू पर्टिकुलर बैन द ट्रीटेड विद द एविना कोलेक्टल टेस्ट और इन सेवरल अदर बायोएसे टेक्निक्स। बायोएसे का मीन्स ये होता है दोस्तों, बायोएसे टर्म को आप समझ लीजिए, बायोएसे होते हैं किसी केमिकल का हम लिविंग सेल के ऊपर उसके कंसंट्रेशन का अध्ययन करें, किस कंसंट्रेशन में क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इन्होंने पर क्या आया, इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिजन्स दैट ऑकर नेचुरली। तो ये पूछते हैं दोस्तों कि नेचुरल हॉर्म ऑक्सिजन्स कौन सा है, तो कौन सा है, आई ए इज द नेचुरल ऑक्सिजन। तो आप याद रखिए दोस्तों, आई ए इज द नेचुरल ऑक्सिजन। सुन आफ्टर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आई ए एज अ प्लांट हार्मोन, अदर कंपाउंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर, कैसे सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बर सिंथेसाइज एंड टेस्टेड फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो बाद में क्या किया कि बहुत सारे जो अदर कंपाउंड सिंथेसिस किए, जिस स्ट्रक्चर कैसी थी जिसके आई ए जैसी थी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी में सेम थे। अमंग द फर्स्ट कंपाउंड स्टडीज वर सब्स्टिट्यूट इंडोल सच एज इंडोल थ्री प्रोपेनिक एसिड आई पी ए और आई बी ए, इंडोल थ्री ब्यूटारिक एसिड। तो जो आई पी ए और आई बी ए जो थे ना, ये सेम कैसे वह फंक्शन कर रहे थे आई ए जैसे, बट ये नेचुरल नहीं थे, ये प्लांट में सिंथेसिस नहीं हो रहे थे, ये लैब में सिंथेसिस किए गए। बोथ कंपाउंड्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव एंड कॉमन यूज रूटिंग हार्मोन। तो इनका फंक्शन कैसा था, ये एज ए रूटिंग हार्मोन की तरह यूज हो रहे थे। दोस्तों आपको मालूम है ये आई बी ए तो आज भी कमर्शियली जो है हॉर्टिकल्चर में रूटिंग हार्मोन में यूज करते हैं, लेयरिंग में, कटिंग्स में, ग्राफ्टिंग में, बहुत सारे लोग सॉरी ग्राफ्टिंग में बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेयरिंग में यूज करते हैं उसमें कि जल्दी से और अच्छी से रूट इनिशिएशन हो जाए, और उसमें भी करते हैं कटिंग्स में जो बहुत हार्डवुड कटिंग्स होते हैं जिनमें इनका रूटिंग इजी नहीं होता है, तो कई सारे प्लांट्स में इसकी कटिंग्स में इसको यूज करते हैं। नेप्थुलिनिक एसिड एसिड ये जो है एन ए इज सच अ कंपाउंड एंड इट इज यूज एज ए रूटिंग हार्मोन फॉर सर्टन प्लांट। ये कुछ प्लांटों में क्या करता है, इसको रूट एज ए रूटिंग हार्मोन यूज करते हैं, बट इसको इसके और भी कई अच्छे फंक्शन हैं। एन ए का क्या करते हैं, इसको फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं 10 to 20 ppm, तो जैसे मैंगो में करते हैं। तो दोस्तों एन ए बहुत ही यूजेबल हार्मोन है, और इसको कहीं कहीं तो इससे पार्थेनोकार्पी के लिए भी इसको यूज करते हैं, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी के लिए। अनदर बायोलॉजिकली एक्टिव सिंथेटिक ऑक्सीजन लेकिंग द इंडोल रिंग इज 2,4-D2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। ये क्या है दोस्तों, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, लेकिन इसको क्या बोलते हैं अपन, 2,4-D बोलते हैं इसको, ये 2,4-D के नाम से ही बाजार में मिल जाता है। तो दोस्तों ये दिस कंपाउंड नोन एज 2,4-D ये पोटेंट ऑक्सीजन, इसको पोटेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। देखो दोस्तों ये टर्म भी कई एक बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। पोटेंट ऑक्सीजन का मीनिंग होता है पावरफुल ऑक्सीजन, पावरफुल ऑक्सीजन यूज एज ए वीट किलर, और इसको क्या करते हैं वीट किलर, जब मोर देन 20 ppm इसको यूज करते हैं तो एज ए जो वीडिसाइड की तरह ये काम करता है। दोस्तों गेहूं वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है हमारे इंडिया में, हर किसान इसको जानता है 2,4-D के नाम से। इट इज अ प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा यूज सिंथेटिक ऑक्सीजन है ये, कौन सा, 2,4-D, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, हम एक एक आपका शब्द क्लियर करेंगे। इन कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन कमर्शियल स्केल पर करते हैं, द कार्बामेट कंपाउंड वॉज डेवलप्ड फॉर यूज एज ए फंगिसाइड वट वॉज द ऑल्सो फाउंड टू हैव ऑक्सीजन एक्टिविटी। ये कार्बामेट में भी वैसे ऑक्सीजन की जैसी एक्टिविटी पाई गई, लेकिन इसको किसके लिए यूज किया जाता था, फंगिसाइड के ऐसे यूज किया जाता था। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है हम उस पर आ गए हैं दोस्तों, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। मेरे भाइयों आपको कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, एक दो क्वेश्चन ऑक्सीजन से ही होता है, हार्मोन से 3-4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अपन चलो पढ़ते हैं, सबसे पहला जो क्या फंक्शन है इसका, सेल
एलोंगेशन क्या है दोस्तों, सेल एलोंगेशन फंक्शन है इसका। तो द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इज प्लांट टू स्टिमुलेट द सेल एलोंगेशन ऑफ द सेल इन सूट। तो कहाँ पर करता है ये, सूट में करता है। आप सबसे हैं, रूट में भी करता है लेकिन लो कंसंट्रेशन दोस्तों, रूट में भी करता है बट लो कंसंट्रेशन। अगर रूट में आप हाई कंसंट्रेशन कर दोगे तो ये क्या करेगा, इथिलीन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ये क्या करता है, इथिलीन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और जब इसको बोलते हैं स्टिमुलेट इफेक्ट ऑफ इथिलीन दोस्तों, ये इथिलीन प्रोडक्शन बढ़ाता है, स्टिमुलेट इफेक्ट फॉर इथिलीन बाय ऑक्सिन। तो ये इसका एक बहुत अच्छा इसका एक एग्जाम्पल अपन देखने को मिलता है। जब फ्लड वगैरह हो जाती है तब तो इथिलीन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन प्रोडक्शन घट जाता है। उस टाइम क्या होता है, ऑयल तो वगैरह बन जाते हैं तो रूट्स जल्दी गल जाते हैं। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑक्सीजन कैन बी ऑब्जर्व इन द फोटोट्रॉपिक कर्वेचर्स वेयर द यूनिलैटरल लाइट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द ऑक्सीजन इन द स्टेम। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इसका। अगर ये सीड का भाग एक तरफ सीड होता है तो मोर ऑक्सीजन ऑन सेडेड साइड देन द इल्यूमिनेटेड साइड, आपको पहले हम बता चुके हैं। द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सेडेड साइड कॉजेज द सेल्स ऑन द साइड टू इलोंगेट मोर रैपिडली। और आपको मैं बताया था कि जो ये कैसे तरह, इस तरह से मान लो ये हो रहा था ऐसे, क्योंकि ये इस तरफ क्या आया था, शेड था, इस तरफ क्या था, सूर्य था। तो इधर ज्यादा सेल एलोंगेशन हो रहा था इधर इस साइड में, तो उससे क्या हो रहा था कि ये इधर ज्यादा ग्रोथ होगी तो ये इधर की तरफ मुड़ गया। तो यही मेन ऑक्सीजन का इफेक्ट था, कोलिप्टा कर्वेचर टेस्ट था। इन द बेंडिंग ऑफ स्टेम टिप टुवार्ड द यूनिलैटरल लाइट, किस तरह तर यूनिलैटरल लाइट की तरफ इसको ये मुड़ा देता है। तो दोस्तों आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो फिर से इसको एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को, आपको और अच्छे समझ में जाएगा। बहुत बार होता है कि बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ समझ में नहीं आते हैं, तो आप इसको एक बार दो बार देख सकते हैं दोबारा रिपीट करके। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, एपिकल डोमिनेंस। तो दोस्तों एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, तो आप समझिए एपिकल और डोमिनेंस। देखो अगर हम एक प्लांट बनाते हैं, ये प्लांट है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये प्लांट में साइड ब्रांचेज कम ग्रोथ होती हैं और जो है ना ये लंबा लंबा बढ़ता जाता है। तो इसका मीनिंग होता है कि ये लंबा बढ़ता जा रहा है। एपिकल इसका जो अपेक्स है, जो अपिकल पार्ट है वो डोमिनेंट है, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन जो कर रहा है, ऑक्सीजन का फंक्शन क्या था, मेन फंक्शन सेल एलोंगेशन, इसी पार्ट में कर रहा था। तो इससे क्या है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, जब साइड जो साइड ब्रांचेजों का ग्रोथ नहीं होता है, ग्रोथ सप्रेस हो जाता है साइड साइड बर्ड्स का, और अगर हम इसको ऊपर से कट कर देते हैं, अगर हम इसको ऊपर से कट कर देते हैं तो साइड ब्रांचेज क्या होते हैं, यहाँ से ग्रो करने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंट। चलो देखते हैं। इट हैज बीन कॉमन ऑब्जर्वेशन इन मैनी वेस्कुलर प्लांट स्पेशली इन द टाल एंड स्पेशली ब्रांचेस वंस दैट इफ द टर्न बर्ड इट इज इंटैक्ट द ग्रोविंग। तो दोस्तों ये क्या है, द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड जस्ट बिलो द टर्न रिमेन सप्रेस्ड। देखो लेटरल बर्ड को जो क्या करता है, इसकी ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। क्या करता है, लेटरल बर्ड की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। अगर हम उसके अपिकल भाग को रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जो लेटरल बर्ड है ना इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, इसी को एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। सीधी बात याद रखिए, एपिकल है और डोमिनेंट है, वो लंबा लंबा बढ़ता जाएगा। अगर हम उसके ऊपर के पोर्शन को निकाल देते हैं, कट कर देते हैं यहाँ से, तो क्या होता है, अगर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे तो क्या होगा कि वो उसकी साइड ब्रांचेस का ग्रोथ शुरू हो जाएगा, साइड ब्रांचेस का ग्रोथ शुरू हो जाता है दोस्तों। तो यही इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। स्कूक एंड थाइमन फर्स्ट पॉइंटेड आउट द एपिकल डोमिनेंस माइट बी अंडर द
कंट्रोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट द टर्मिनल बड। आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि जो ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा कहाँ, इसका सिंथेसिस कहाँ पर होता है। देखो दोस्तों, ऑक्सीजन के कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। साइट ऑफ सिंथेसिस होता है एपिकल, जो बड होती है, साइट ऑफ सिंथेसिस। दूसरा क्या होता है इसका, जो ट्रांसलोकेशन होता है, इसका पोलार ट्रांसलोकेशन होता है। कैसा? पोलार, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है दोस्तों? यूनिडायरेक्शनल होता है, ऊपर से नीचे की ओर। सही है। इसका जो प्रिकॉर्सर क्या होता है दोस्तों? ट्रिप्टोफैन एंजाइम। क्या होता है? ट्रिप्टोफैन एंजाइम। दोस्तों याद रखिए, जब ट्रिप्टोफैन एंजाइम किसके साथ मिल जाता है? जिंक के साथ, तो ये ऑक्सीजन सिंथेसिस करने लग जाते हैं, ट्रिप्टामेन जो होते हैं। तो दोस्तों ट्रिप्टोफैन एंजाइम प्लस जिंक से ऑक्सीजन सिंथेसिस होता है। तो कभी कभी प्रिकॉर्सर पूछते हैं, तो ट्रिप्टोफैन आप याद रखिए दोस्तों, आपको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसका मेन जो फंक्शन आता है, मेन फंक्शन क्या होता है? तो कभी कभी एपिकल डोमिनेंस लिखा जाता है, कभी कभी सेल एलोंगेशन लिखा जाता है। सेल एलोंगेशन थोड़ा डीप है, एपिकल डोमिनेंस सरफेस है। तो दोस्तों आप याद रखिए, इसके साथ ये सेल डिवीजन भी करता है, आरएनए डीएनए सिंथेसिस भी करता है ये दोस्तों। और दूसरा आपको एक चीज़ और बताएं, ये क्लोरोफिल सिंथेसिस भी करता है। बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन करता है, क्योंकि ये एप्सिजन जो होता है ना, एप्सिजन को रोकता है। रूट इनिशिएशन आपको पहले पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। जो आई बी ए होता है, क्या कर कौन सा होता है? इंडोल थ्री ब्यूटारिक एसिड जो होता है आई बी ए, वो क्या करता है? रूट इनिशिएशन करता है, कटिंग्स में, लेयरिंग्स में। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टू द स्टेम, द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनिबिट द एलोंगेशन ऑफ रूट, बट द नंबर ऑफ लेटरल ब्रांचेस रूट इज कंसिडरेबली इंक्रीज। द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनिशिएट मोर लेटरल ब्रांचेस रूट्स। तो दोस्तों इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हायर कंसेंट्रेशन होता है किसका? ऑक्सीजन का। वो क्या करता है? इनिशिएट करता है किसका? लेटरल ब्रांचेस और रूट्स का। रूट्स के जो होते हैं, रूट्स में से बहुत सारे रूट्स और रूट्स रूट्स में से रूट्स रूट्स में से रूट्स का बंच बना देता है हायर कंसेंट्रेशन। तो दोस्तों तो ये किस में कर रहा है? ये स्टेम में कर रहा है, ये रूट में रूट नहीं कर रहा है, ये स्टेम में कर रहा है, स्टेम में कर रहा है। दोस्तों आपको ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ आईएए इन लेनोलिन पेस्ट टू द कट एंड ऑफ द यंग स्टेम रिजल्ट इन द अर्ली एंड एक्सटेंसिव रूट। ये आईए का, ये मेनली नेचुरल ऑक्सीजन का फंक्शन बताया जा रहा है कि जब आईए हम लेनोलिन पेस्ट के साथ एप्लीकेशन कर देते हैं यंग प्लांट के स्टेम पर, तो क्या होता है कि एक्सटेंसिव रूट सिस्टम अच्छा सा डेवलप हो जाता है गठे में। दिस फैक्टर इज द ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हैज द बीन बाय यूटिलाइज टू प्रमोट द रूट फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट विच आर प्रोपगेटेड बाय कटिंग्स। तो ये दोस्तों हम आपको बताएं, ये क्या कह रहे हैं कि ये कहाँ पर यूजफुल होता है? जहाँ पर हम कमर्शियल स्केल पर कटिंग से प्रोपगेशन करते हैं, वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 2000 PPM इसको यूज करते हैं दोस्तों, आप याद रखो, ये भी बहुत बार पूछा गया है कितना PPM यूज करते हैं, तो ये 2000 PPM यूज करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा कहीं भी कोई भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है पॉइंट, तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको हम तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। और दोस्तों आपको बोर नहीं होना है, आपको फ्री टू फील आस्क एनी क्वेश्चन टू मी, प्लीज़ आप कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। इनका नहीं है, वो मुझे अपना मैसेज कर दें तो मैं उनको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो प्लीज़ कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन ग्रुप एंड आल्सो ऑन कमेंट्स ऑन चैनल। प्रिवेंशन ऑफ एप्सीजन। देखो दोस्तों, मैंने अपन नेचुरल ऑक्सीजन क्या है, कंट्रोलिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द एप्सीजन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। एप्सीजन का मीनिंग जो होता है दोस्तों, जैसे ये पेड़ है और ये पत्ती है। अब जो पत्ती क्या करती है दोस्तों, कि पत्ती हमेशा धीरे धीरे बूढ़ी होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक एक लेयर बन जाती है। तो इससे क्या है, इसका ट्रांसलोकेशन वगैरह बंद हो जाते हैं। ये लेयर कैसे बनती है? ए बी हार्मोन्स के, एप्सिस के हार्मोन्स के कारण बनती है।
तो ये क्या करता है दोस्तों, ये भी एक एंटागोनिस्ट इफेक्ट है। अगर ये ऑक्सीजन से ज़्यादा सिंथेसिस होगा तो ये भी एक उसको सिंथेसिस को सप्रेस करेगा। तो इसी कारण इसको क्या है, प्रिवेंशन किस करता है, ऑक्सीजन का प्रिवेंशन करता है, थोड़ा बहुत क्लोरोफिल भी करता है। पार्थेनोकार्पी ऑक्सीजन कैन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मैंने आपको बताया जो 2,4-D होता है, NAA होता है, ये नेचुरल पार्थेनो इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक करते हैं, किसमें, कुछ वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। इन नेचर ऑल्सो द फिनोमिनन इज कॉमन एंड इन सच केसेस कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ओवरी हैज बीन फाउंड टू बी हायर देन द ओवरी ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फ्रूट ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसका कह रहा है दोस्तों, जो अगर फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बनना है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कंपेयर टू जो फ्रूट्स की ओवरी है जिनका पार्थेनोकार्पिक ही डेवलप हो रहा है। इन द लेटर केसेस द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ओवरी इंक्रीज आफ्टर पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद इसका इंक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है तब दोस्तों, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट द ऑक्सीजन स्टिमुलेट रेस्पिरेशन एंड देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन इंड्यूस ग्रोथ एंड इंक्रीज द रेस्पिरेशन। दोस्तों अगर हम ऑक्सीजन से अगर ग्रोथ कराते हैं, अगर हम स्प्रे कर देते हैं, तो फिर इससे क्या होगा, जब ग्रोथ तो बहुत फास्ट होगी तो इसका स्वाभाविक है रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगा। दोनों ही सेम प्रोपोर्शनल में होते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच एंड वीवर ऑक्सीजन में इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इनडायरेक्टली थ्रू द इंक्रीज द सप्लाई ऑफ एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो दोस्तों देखो, जहाँ पर एनर्जी लगेगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो स्वाभाविक है ईडीपी की सप्लाई होगी। ये क्या एनर्जी बॉन्ड है, ये कि एटीपी में बदल जाता है, पर रैपिड यूटिलाइजिंग एटीपी इन द एक्सपेंडिंग सेल्स। तो देखिए दोस्तों, एटीपी का जो रहता है रेस्पिरेशन तेज तो बढ़ेगा ही, इसमें सीधा सीधा इसमें कोई कन्फ्यूजन की क्वेश्चन नहीं है। कैलस फॉर्मेशन आपने देखा होगा, बिसाइड द सेल एलोंगेशन ऑक्सीजन में आल्सो भी एक्टिव इन सेल डिवीजन। इनफैक्ट इट में टिश्यू कल्चर, किसमें, टिश्यू कल्चर में, वेयर इज द कैलस ग्रोथ इज क्वाइट नॉर्मल, द कंटिन्यूइंग ग्रोथ ऑफ सच कैलस टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों टिश्यू कल्चर में क्या होता है, साइटोकाइन ऑक्सीजन का रेशो होता है, अगर हम थोड़ा सा ऑक्सीजन ज़्यादा रखते हैं कि तो उसमें कैलस फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉलेज कैलस फॉर्म साइटोकाइन ऑक्सीजन पे होता है, तो टिश्यू कल्चर उसको बहुत अच्छे से। वैस्कुलर डिफरेंशिएशन, ऑक्सीजन इंड्यूस वैस्कुलर डिफरेंशिएशन प्लांट। देखो, दिस हैज द कंफर्म्ड इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट एंड फॉर्म स्टडी विद द ट्रांसजेनिक प्लांट। ये टिश्यू कल्चर वगैरह में इसको देखा गया है कि वैस्कुलर डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो दोस्तों वैस्कुलम बहुत अलग अलग सेल होती हैं, जैसे उसमें जाइलम सेल्स होती हैं, फ्लोएम सेल्स होती हैं, तो अपने अलग अलग कार्य को करने लगती है। यही डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, वेस्कुलर डिफरेंशिएशन कहलाता है। साइटोकाइनेसिस आल्सो नोन टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंशिएशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड इट्स बिलीव दैट वेस्कुलर डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज प्रोबेबली अंडर द कंट्रोल ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। तो ये कौन करता है वेस्कुलर डिफरेंशिएशन, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। डिफरेंशिएशन में वेस्कुलर टिश्यू अलग अलग फंक्शन करने लगेंगे, कोई सेल वाटर ट्रांसलोकेशन को काम करेगी, कोई फूड ट्रांसलोकेशन को काम करता है। थैंक यू दोस्तों जिन्होंने हमारा कंप्लीट चैनल देखा। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अब पसंद आया, और सॉरी वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, तो ये ऐसा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा। आप कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।